ये देखो आप, ये है हमारे सेजवान पनीर कुरकुरे। आवाज़ सुनिए पहले आप, आवाज़ सुनकर आपको पता चल रहा होगा कितने क्रिस्पी ये बने हैं। बनाना बिल्कुल आसान है, झटपट फटाफट बन जाती है। मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ बीच में से, ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। सामग्री मैंने सारी पहले ही तैयार कर ली है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं बाउल के अंदर डाल रहा हूँ ये कॉर्नफ्लोर, आप चाहो तो अरारोट भी ले सकते हो, 3 चम्मच है ये। इसी के साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर मैदा 3 चम्मच, मतलब सेम क्वांटिटी में 3 चम्मच मैदा, 3 चम्मच हमने अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर जो आप लेना चाहें, दोनों में से 3 3 चम्मच डाल दिए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, लगभग 2 टेबल स्पून पानी डाला है मैंने, और इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे सेजवान चटनी। तो ये चटनी है वो छोटा पाउच 10 रुपये का आता है, वो मैंने लिया है। और ये इसलिए डाल रहा हूँ कि इसके बाद कोई मसाले वगैरह हमें नहीं डालने पड़ेंगे। हाँ, नमक आप डाल सकते हो स्वाद के अनुसार, और थोड़ा स्पाइसी और पसंद है तो और मिर्ची वगैरह डाल सकते हो आप। वो बैटर तैयार कर लिया। इधर मैंने पनीर लिया है, ये लिया है 150 ग्राम। इसके मैं 4 टुकड़े कर रहा हूँ, और 4 टुकड़े मतलब 8 टुकड़े मैंने कर लिए हैं आप देख सकते हैं, और रेक्टेंगल शेप में किए हैं। और अब क्या करते हैं, कॉर्नफ्लेक्स ले लेते हैं। तो मेरे पास ये 20 रुपये वाला पाउच है, इसमें लगभग 70 ग्राम आता है। तो ये हम आधे डाल देंगे और इन्हें क्रश करेंगे ऐसे अच्छी तरीके से। इसकी जगह पर आप वो सेवैयाँ आती है ना, वो भी ले सकते हो, उसको भी क्रश करके काम में ले सकते हैं आप। और ये देखो, ये मैंने क्रश कर लिए हैं। मैं ना इनको प्लेट में कर लेता हूँ, क्योंकि बाउल में ना कोट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो मैंने बाउल में से निकाल के प्लेट में कर लिया है। ये देखो, थोड़ा सा और कर देते हैं अच्छी तरीके से इसे बारीक बारीक। और अब चलते हैं, सारी सामग्री तैयार है। ये देखिए, पनीर तैयार है, बैटर हमारा तैयार है, और ये हमारे कॉर्नफ्लेक्स तैयार हैं क्रश किए हुए। अब क्या करना है, सिंपल सा फंडा है। पनीर उठाइए, पनीर को डिप कीजिए बैटर के अंदर, अच्छी तरीके से बैटर कोट हो जाना चाहिए। और इसे उठाएंगे, उठा के कॉर्नफ्लेक्स पे रख देंगे, और अच्छी तरीके से बैटर जो है ना, वो अगर ऐसे रह जाए तो ऊपर से आप हल्का सा बैटर डाल सकते हो, जैसे मैंने अभी किया। अच्छी तरीके से बैटर कोट होना चाहिए, तभी वो पनीर के ऊपर वो कोटिंग आएगी। और मैंने इसको देखिए, कॉर्नफ्लेक्स के चूरे से मैंने कर लिया। अब हमने प्लेट में रख दिया है, ऐसे ही हमने सारे तैयार कर लिए हैं 8 के 8। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें तेल डाल के रखा है जो कि गर्म हो गया है, पहले ही मैंने गैस ऑन कर दी थी। और हल्का सा कॉर्नफ्लेक्स डाल के देखते हैं, तो ये देखिए ऊपर आ गया, इसका मतलब है तेल गर्म है। अब हम इसमें एक एक करके डाल देंगे जितने आपकी कढ़ाई में आ सकें। तो मैं 2 बैच में इन्हें फ्राई करूँगा, डीप फ्राई। तो मैंने 4 डाल दिए हैं पहली बार में, पहले बैच में, और इन्हें पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। गैस की स्पीड मैंने मीडियम रखी है, मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें तैयार करेंगे। ये देखिए, अब मैंने फ्लिप कर रहा हूँ, पलट रहा हूँ, क्योंकि ये हल्के हल्के सिक गए हैं नीचे से। और ये देखो आप, कितने बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अच्छे से चारों तरफ से कर लेते हैं, और अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से रखेंगे जिससे एक्स्ट्रा ऑयल नीचे निकल जाएगा कढ़ाई में, और एक टिश्यू पेपर लगी हुई प्लेट में हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, सारे के सारे मैंने 2 बैच में तैयार कर लिए। हरी चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ आप सर्व कर सकते हैं। सिंपल सी रेसिपी थी, इसलिए मैंने फटाफट चटपट फटाफट दिखाई है आपको। ये देखिए, मिलेंगे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।